पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के भोड़िया तालाब के पास रामानगर में 25 अगस्त को पीथमपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि भोड़िया गांव के रामानगर में एक झोपड़ी में वृद्ध महिला की लाश मिली है, जिसकी जानकारी लगते ही थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पाया कि महिला के दामाद ने ही महिला की हत्या की थी। रात्रि में किसी ने उसकी हत्या की और शव छोड़ दिया था। प्रथम दृष्टया शव देखने से कोई भी घटनास्थल डिस्टर्ब नहीं था और बाहरी निगाहों से कोई चोट समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम कराने के बाद आंतरिक अंगों की जांच के बाद पता चला कि उसका गले की हड्डी फ्रैक्चर है। चिकित्सक के अभिमत से ये समझ में आया कि इसकी हत्या की गई है और बड़ी सफाई से चतुराई से आरोपी ने उसकी हत्या की और घटनास्थल को एज इट इज व्यवस्थित जैसा कि व्यक्ति सोता है वैसा बनाया। जब हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना की गई और पता चला तो उसकी जो आरोपी है उसकी बेटी ने ही इस बात का खुलासा किया कि उसके पिताजी रात में 3-3:30 बजे कहीं गए थे कपड़े पहन के साल ओढ़ के और जब वापस आए तो हमें डांट के सुला दिया और डरे हुए थे। इस बात पे जांच की, इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि उमराव सिंह नाम का व्यक्ति जिसकी पत्नी को मारता पीटता था और वो मृतिका के घर चली जाती थी, इसी बात की रंजिश को लेके उमराव सिंह ने मृतिका जतनबाई की हत्या की।